योग गुरु बाबा रामदेव आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर तो कभी धर्म विशेष पर टिप्पणी पर विवादों में आ जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। गुरुवार को बाड़मेर में बाबा रामदेव को हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्मों की तुलना करते देखा गया और इसी दौरान उन्होंने मुसलमानों पर ऐसी टिप्पणी कर दी कि अब माहौल गर्माने लगा है। बाबा रामदेव ने कहा कि मुसलमान आतंकवादी हो या अपराधी, वो नमाज जरूर पढ़ता है। वो इस्लाम को सिर्फ नमाज तक ही समझते हैं। बस 5 बार नमाज पढ़ो और उसके बाद जो मन में आए वो करो। हिंदू लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि कोई इस दुनिया को इस्लाम में बदलना चाहता है तो कोई ईसाई में, लेकिन बदल कर करोगे क्या। बता दें कि बाबा रामदेव एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बाड़मेर पहुँचे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही है। मुसलमानों पर टिप्पणी करते करते बाबा रामदेव ने आगे कहा कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म क्या सीख देता है तो जवाब मिलता है कि नमाज पढ़ो और फिर जो मन में आए वो करो। हिंदू लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है करो। कई मुसलमान ऐसा करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी बन जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। अब सुनिए कि बाबा रामदेव ने हिंदू धर्म को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। सनातन धर्म कहता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान का नाम लो और योग करो। हमें हिंदू धर्म इसकी सीख देता है कि जीवन को कैसे अच्छे से जीना है। हमें सात्विक व्यवहार और काम करना चाहिए। हिंसा, झूठ, लड़ाई झगड़े, पाप अपराध से दूर रहना चाहिए। ये सब कुछ हिंदू धर्म सिखाता है। बता दें कि बाबा रामदेव की इस टिप्पणी के बाद से देश के अलग अलग जगहों से धर्म गुरुओं की टिप्पणी भी आनी शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि इस टिप्पणी को लेकर माहौल में क्या बदलाव आता है। न्यूज़ इंडिया डिजिटल डेस्क।